बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। TLSE welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Grade 4, Week 9, Lecture 26, Section ABC, SST, Topic, Land Use, Farming and Forests, Page number 36 and 37, Unit number 2. Let's start with Lecture number 26. ऑब्जेक्टिव आज के लेसन का ये है, यूज़ेस ऑफ सॉइल, के मिट्टी को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इसको किस तरह मुख्तलिफ वेज़ में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, द हिंदूकश, पिछले लेसन में हमने पढ़ा द हिंदूकश माउंटेंस, द कोहिस्तान सवात एंड द रेंजेस, द बलोचिस्तान प्लेटू, द पोटोआर प्लेटू। न्यू ड्रिल वर्ड्स, स्टीप, गोइंग अप और डाउन, वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जाना, डहलवान भी कह सकते हैं। सॉक, टू पुट समथिंग इन अ लिक्विड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। टॉप सॉयल, द अपर लेयर ऑफ सॉयल इन विच प्लांट्स हैव मोस्ट ऑफ देयर रूट्स, जहाँ पर जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर होती हैं। और डेल्टा, अ पीस ऑफ लैंड शेप्ड लाइक अ ट्राइंगल, जो कि ट्राइंगल की शक्ल का होता है, डेल्टा उसको बोलते हैं। प्रीवियस ड्रिल वर्ड्स, प्लान्टी, बहुत ज़्यादा कसरत से होना, बख्तात होना, अकर वाक़िया होना, एंड प्लेन, हमवार, ट्विस्ट, बल देना, मुड़ा हुआ। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द टॉपिक लैंड यूज़, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्स। चैप्टर नंबर 5 है सॉइल, मिट्टी, इसका जो है ना पॉइंट है फर्स्ट। लैंड यूज़, जो हम ज़मीन जो है इस्तेमाल करते हैं उस पर फार्मिंग करते हैं, फॉरेस्ट्स जो हैं वो लगाते हैं। तो सॉइल जो है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। और इन एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का जो दारोमदार है वो ज़्यादातर सॉइल पर है और रॉक्स पर है, जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं, यानी चट्टानें वगैरह। और कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर बहुत अच्छी फसलें जो है ना उगाई जा सकती हैं, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम फसलें नहीं उगा सकते, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो कम होता है और सॉइल जो है वो पुअर होती है, ठीक है, अच्छी नहीं होती, यानी फर्टाइल नहीं होती। और देयर इज़ टू मच वाटर, और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, और जो लैंड है वो गेट सॉक्ड विद वाटर, या तो ज़मीन वहाँ पर जो है ना तर हो जाती है, या उसको, उस पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है, चूस लेती है, पी लेती है। इन अदर प्लेसेस देयर इज़ सफिशेंट वाटर, कुछ जगहों पर पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और सॉइल जो है वो ज़रखेज़ होती है, फर्टाइल होती है, और क्रॉप्स बहुत अच्छी उगाई जा सकती हैं, ठीक है। और माउंटेनियस जो एरियाज़ हैं, ऑफ देयर इज़ स्नो, वहाँ पर जो है ना बर्फ़बारी होती है, साल में ज़्यादातर जो है ना वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, सो इसलिए वहाँ पर जो फसलें नहीं उगाई जा सकती। और कुछ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स रहते हैं, देयर आर कुछ ग्लेशियर्स कवरिंग द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर कवर होते हैं, बहुत से बड़े बड़े बर्फ़ के तौदे होते हैं कुछ पार्ट्स में, कुछ इलाकों में, ठीक है। और वेयर देर इज़ स्नो और आइस, और यहाँ पर जो है ना बर्फ़ और आइस की वजह से क्या होता है कि लैंड स्टीप, के जो ज़मीन है वो डहलवान होती है, एंड रॉकी और चट्टानी होती हैं, डिफ़िकल्ट टू फॉर्म, और वहाँ पर काश्तकारी करना या फसलें उगाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इन द लोअर वैलीज़ बिटवीन द माउंटेन रेंजेस, लोअर वैली में यानी वादियों में, जो पहाड़ों में रेंजेस पहाड़ों के दरमियान, वेयर देयर आर रिवर्स, जहाँ पर दरिया हैं, सॉइल इज़ यूजली फर्टाइल, मिट्टी जो है वज़रखेज़ होती है, और इन ये जो एरियाज़ होते हैं वो शेल्टर्ड होते हैं, ठीक है, अपना वाले होते हैं, यानी कि अच्छे होते हैं फ्रॉम दी विंड, और हवा भी चलती है, सो पीपल हैव सेटल हेयर, इसलिए लोग यहाँ पर जो हैं वो रहते हैं। और ये मैं मैप में देखें ज़रा, माउंटेन्स जो हैं उनको ये जो है ये वाला कलर जो है ये शो कर रहा है माउंटेन्स को, और ग्लेशियर्स जो हैं वो ये यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, और डेजर्ट्स जो हैं दीज आर द डेजर्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा टाइडल फ्लैट्स जो हैं, यानी ऊपर उठता हुआ नीचे बहता हुआ जो लहरें हैं पानी की, और रिच सॉइल, यानी कि ये जितना भी ग्रीन पार्ट है ये रिच सॉइल जो है मिट्टी, ज़रखेज़ मिट्टी को ज़ाहिर कर रहा है। और देयर आर डेजर्ट्स, पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट में जो है ना बहुत सारे सहरा हैं,
और डेजर्ट्स आर सैंडी और रॉकी। हमें पता है कि सहराओं में सहरा जो होते हैं वो रेतले होते हैं, रॉकी चट्टानी, एंड देयर इज़ लिटल वाटर, पानी बहुत कम होता है। और यहाँ पर ग्रो क्रॉप्स इन द डेजर्ट, यानी डेजर्ट में फसलें उगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए नहरें वगैरह बनाकर पानी जो है वो इन इलाकों में जमा किया जाता है। पार्ट्स ऑफ द लैंड कैन बी मेड फर्टाइल, और बहुत सारे इलाके को जो है ना यहाँ की जो जगह है उसको फर्टाइल बनाने की कोशिश की जाती है। इन द साउथ जनूब में देयर इज़ द डेल्टा ऑफ द रिवर इंडस, रिवर इंडस पर डेल्टा होता है। डेल्टा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि अ पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का वो टुकड़ा या वो हिस्सा शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल की तरह होता है, और इसमें जो है ना छोटे दरिया से बड़े समंदरों में पानी का जाना जो है उसे हम कहते हैं डेल्टा, और ये ज्वाइन करता है समंदर को। और यहाँ पर जो हेयर इज़ द लैंड वेरी लो, यहाँ पर खुश्की बहुत कम होती है, और इसके अलावा यहाँ पर नमकीन समंदरी पानी के सैलाब भी आ जाते हैं। सो नॉट मच ग्रोज हेयर, इसलिए ज़्यादातर जो है ना चीज़ें या फसलें वगैरह नहीं उगाई जा सकती। मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल होती है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल ज़रखेज़ मिट्टी को अलूवियल सॉइल भी बोलते हैं, और दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द प्लेन्स, और इस किस्म की जो मिट्टी है वो प्लेन्स में पाई जाती है, हमवार सतह पर, बिल्कुल प्लेन सतह पर, फ्लैट पर, अराउंड द ग्रेट रिवर्स, रिवर्स के इर्द गिर्द। और जब ये सैलाब वगैरह आते हैं रिवर्स में, तो इसकी जो मिट्टी है वो खुश्की वाली ज़मीन पर चली जाती है, वहाँ पर मिक्स हो जाती है, ठीक है, जब पानी किनारों तक आ जाता है तो वो वहाँ पर शामिल हो जाती है। और इन द माउंटेंस, पहाड़ों में, रिवर्स में जो पानी है बहुत तेज़ बहता है, और दे ब्रेक अप द रॉक्स, और जिससे चट्टानें टूटती हैं, और इसको हम कहते हैं कॉल्ड एरोशियन। एरोशियन बोलते हैं कि ज़मीनी कटाव को, ठीक है, जब तक अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, फास्ट फ्लोइंग वाटर है, पानी बहुत तेज़ बह रहा है, मच ऑफ द सॉइल इज़ दैट इज़ ऑन द सरफेस, तो बहुत सारी मिट्टी जो है वो सतह ज़मीन पर आ जाती है, और टॉप सॉइल इज़ यूजली फर्टाइल, और जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ज़रखेज़ होती है, एंड गुड फॉर क्रॉप्स, और फसलों के लिए भी बेहतर होती है। हार्ड अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा जो है ना मिट्टी जो है वो सख्त हो जाती है और लेस फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं होती। इफ़ एरोशन इज़ कंट्रोल्ड, अगर एरोशन यानी ज़मीनी कटाव को कंट्रोल कर लिया जाए, तो फार्मर्स जो हैं यहाँ पर सॉइल वगैरह जो है वो उगा सकते हैं, अच्छी सॉइल लगा कर, या फिर इन विच टू प्लांट क्रॉप्स, बहुत अच्छी जो है फसलें यहाँ पर उगा सकते हैं, ठीक है। वन वे ऑफ द स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ एरोशन इज़ टू प्लांट ट्रीज़, यहाँ पर पौधे वगैरह, दरख्त वगैरह लगाए जा सकते हैं। ट्रीज़ हैव लॉन्ग रूट्स, ट्रीज़ के जो होते हैं रूट्स जो होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बहुत लंबी होती हैं, और इनके जो ज़र्रे हैं वो इनमें दरख्तों में शामिल हो जाते हैं। दिस इज़ वाई वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट डाउन टू मैनी ट्रीज, इसलिए हमें बहुत सारे दरख्त नहीं काटने चाहिए। वी हैव टू प्लांट मोर फॉरेस्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, और पौधे वगैरह लगाने चाहिए। ए कैनल इन सिंध, ये पिक्चर में एक नहर दिखाई गई है जो कि सिंध में है, और ये कटिंग करके जो है नहर का पानी जो है यहाँ से निकाला गया है। एंड थैंक यू सो मच। आज के इस लेसन से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द यूजेस एंड काइंड्स ऑफ सॉइल, वो मिट्टी की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में बता सकते हैं और उनके यूजेस के बारे में। थैंक यू सो मच।